बोलिए अम्बे मात की जय, महागौरी माता की जय। नवरात्र के आठवें दिन महागौरी माता की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान है और इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की चार भुजाएं हैं, उनकी दाई भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाई भुजा में डमरू डमडम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। अष्टमी पूजन करने से भक्त के तमाम दुख दूर होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मान्यता ऐसी है कि दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ है, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है और यही शिवा और शांभवी के नाम से पूजी जाती है। इनकी छटा चांदनी के समान है और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई देती है। इनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं, तभी इनका नाम गौरी पड़ा। नवरात्रि के दसों दिन कुंवारी कन्या भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन भोजन कराने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी वैसे ही होता है जैसे सभी देवताओं की अपने देवियों की है, और अष्टमी के दिन भी देवी की पंचोपचार सहित आपको पूजा करनी है और इस दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन करना है। माता को भोग में आपको नारियल चढ़ाना है और नारियल को भोग लगा करके सिर के ऊपर से घुमा के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको बता दूं माता गौरी की कथा, फिर आपको बता दूं कन्या पूजन कैसे करना है। माता गौरी की कथा ऐसे आती है, पहले उनका ध्यान करते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दत्यान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनके वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चंद्र कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है, अष्ट वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रीयेहं वर्धम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात। नारद पांचरात्र में बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत के प्रभा के समान अत्यंत कांतिवान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं।
इसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव ही इनके पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनको इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्तिक भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। बोलिए महागौरी माता की जय। ये कथा हुई माता की। आपको अष्टमी के दिन देवी पूजन करना है, कुमारी कन्या को पूजना है। कन्या या कंजक पूजन में सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। 1 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करा जाता है। इससे अधिक उम्र की कन्याओं का देवी पूजन में वर्जित माना जाता है। कन्या पूजन में सर्वप्रथम कन्याओं के पैर धुलाकर उन्हें एक पंक्ति में बैठा देते हैं और उसके बाद उन सभी को टीका, चावल, रोली, मोली लगा करके विधिवत कुमकुम से तिलक करके मोली पर कलाई पर कलावा बांधना है। फिर उन्हें भोग लगाना है, हलवा, पूरी, चने, खीर, आपने जो भी पूरियां जो भी बनाई है वो उनको माता रानी को भोग लगाने के बाद उनको खिलाना है। पूजा करने के बाद जब कन्याएं भोजन ग्रहण कर ले तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और यथासमर्थ जो भी आपकी इच्छा हो वो भेंट और दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक अष्टमी का पूजन करने से माता रानी की हमें सारी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आपको बता देती हूँ माता का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंगारूढ़ा चतुर्भुजाम महागौरी यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोम वक्रस्थिताम अष्टम दुर्गा त्रिनेत्राम वराबीतीक रात्रिशूल ढमरूधरा महागौरी भजेम पट्टांबर परिधाना मृदुहास्या नाना अलंकार भूषिताम मंजीर कार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वदनाम पल्लावा धरां कांत कपोलाम चैवाक्य मोहनीम कमनीयां लावण्यां मृणालां चंदनगंधलिप्तां। इसके बाद स्तोत्र कर लेते हैं। सर्व संकट हंत्रित्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायनीं ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम् सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायनीम डमरू वाघ प्रिया अध्या महागौरी प्रणमाम्यहम् त्रैलोक्यम मंगला त्वम हिता पत्र यपत् प्रणमाम्यहम् वरदा चैतन्य मयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। कवच का पाठ है। ओंकार पातु शीर्षो मांग रिंग बीजम मांग हृदयो क्लिंग बीजम सदा पातुन भोगृहो च पादयो ललाट कर्णो हुंग बीजम पात महागौरी मांग नेत्रो घ्राणो कपोल चिबुको फट पातु स्वाहा मांग सर्ववदनो इति माता ध्यानम्।
जो भी आपको मंत्र है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हैं, आप प्लीज़ अगर चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं मंत्र। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता को मनाते रहिए।